चिल्ड्रेन क्लास टेन केमिस्ट्री रिविजन वर्क लेसन वन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो आ, आज का टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेश आज पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं फर्स्ट अस्केलेटल केमिकल इक्वेशन सेकेंड वन इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट अस्किलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बच्चों स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहने का मतलब होता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड का नंबर ऑफ एटम जो है वो बराबर नहीं होते हैं उसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इट इज ऑल्सो नॉन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं एग्जाम्पल में देखते हैं बच्चों हाइड्रोजन यानी एच टू प्लस ओ टू मिलकर बना H2O। टू अब दोनों साइड ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट दोनों साइड देखते हैं रिएक्टेंट में देखते हैं दो हाइड्रोजन एटम है प्रोडक्ट में भी दो है ऑक्सीजन रिएक्टेंट में देखते हैं ऑक्सीजन एटम दो है प्रोडक्ट में एक है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड इक्वल नहीं है तो ऐसे वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होते हैं उसी को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या अस्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं नेक्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एक ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों तरफ जो जो भी एलिमेंट है जो जो भी एलिमेंट है दोनों तरफ का नंबर ऑफ एटम्स सेम होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बन रहा है यानी यहाँ टू एच टू ओ प्लस ओ टू रिएक्शन किया तो टू एच टू ओ बना तो बच्चों टू एच टू जो है यानी हाइड्रोजन या टू टू जब फोर चार हाइड्रोजन एटम है यहाँ पर भी प्रोडक्ट में भी टू टू जब फोर चार हाइड्रोजन एटम है और बच्चों यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर भी टू वन जीरो टू यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन एटम है यानी रिएक्टेंट रियक, और प्रोडक्ट में दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बराबर बराबर है तो वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होता है दोनों साइड रिएक्टेंट साइड एंड साइड साइड दोनों साथ बराबर होते हैं तो वैसे केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं और इस तरह बैलेंस करना हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा किया जाता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल ऑफ रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ये पांच टाइप के होते हैं फर्स्ट वाला देखेंगे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोज रिएक्शन दोज रिएक्शन इन विच

फॉर्म करता है उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन चूंकि यहां पर दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है एग्जाम्पल में देखते बच्चो एच टू टू एच टू जो गैसेस फॉर्म में है हाइड्रोजन गैस ओ टू ऑक्सीजन गैस ये दोनों जो गैस है जो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करता है तो टू एच टू वाटर बनाता है जो लिक्विड स्टेट में होता है पता चला बच्चों कि दो सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके कंबाइन करने के बाद सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है तो उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बन रहा है चूंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो सब्सटेंस है मिलकर एक सिंगल सब्स्टांस बन रहा है इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इक्वेशन कहते हैं